खरूज दसवां बाब। और खुदावन ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके दिल और उसके नौकरों के दिल को सख्त कर दिया है, ताकि मैं अपने ये निशान उनके बीच दिखाऊं, और तू अपने बेटे और अपने पोते को मेरे निशान और वो काम जो मैंने मिस्र में उनके दरमियान किए सुनाए, और तुम जान लो कि खुदावन मैं ही हूँ। और मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर उससे कहा कि खुदावन इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि तू कब तक मेरे सामने नीचा बनने से इनकार करेगा? मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा तो देख, कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियां ले आऊंगा, और वो जमीन की सतह को ऐसे ढांक लेंगी कि कोई जमीन को देख भी ना सकेगा, और तुम्हारा जो कुछ औलों से बच रहा है वो उसे खा जाएंगी, और तुम्हारे जितने दरख्त मैदान में लगे हैं उनको भी चट कर जाएंगी, और वो तेरे और तेरे नौकरों बल्कि सब मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी, और ऐसा तेरे अबाओ अजदाद ने जब से वो पैदा हुए उस वक्त से आज तक नहीं देखा होगा। और वो लौटकर फिरौन के पास चला गया। तब फिरौन के नौकर फिरौन से कहने लगे कि ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? इन लोगों को जाने दे ताकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुला लिए गए, और उसने उनको कहा कि जाओ और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो, पर वो कौन कौन हैं जो जाएंगे? मूसा ने कहा कि हम अपने जवानों और बुढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपनी भेड़ बकरियों और अपने गाय बैलों समेत जाएंगे, क्योंकि हमको अपने खुदा की ईद करनी है। तब उसने उनको कहा कि खुदावंद ही तुम्हारे साथ रहे, मैं तो जरूर ही तुमको बच्चों समेत जाने दूंगा, खबरदार हो जाओ, इसमें तुम्हारी खराबी है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा, सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते थे, और वो फिरौन के पास से निकाल दिए गए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि मुल्के मिस्र पर अपना हाथ भड़ा, ताकि टिड्डियां मुल्के मिस्र पर आएं, और हर किस्म की सब्जी को जो इस मुल्क में औलों से बच रही है चट कर जाएं। पस मूसा ने मुल्के मिस्र पर अपनी लाठी भड़ाई, और खुदावंद ने उस सारे दिन और सारी रात पुरवा आंधी चलाई, और सुबह होते होते पुरवा आंधी टिड्डियां ले आई, और टिड्डियां सारे मुल्के मिस्र पर छा गईं, और वहीं मिस्र की हदूद में बसेरा किया, और उनका दिल ऐसा भारी था कि ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां कभी आईं, ना उनके बाद फिर आएंगी, क्योंकि उन्होंने तमाम रुए जमीन को ढांक लिया, ऐसा कि मुल्क में अंधेरा हो गया, और उन्होंने उस मुल्क की एक एक सब्जी को और दरख्तों के मेवों को जो औलों से बच गए थे चट कर लिया, और मुल्के मिस्र में ना तो किसी दरख्त की ना खेत की किसी सब्जी की हरियाली बाकी रही। तब फिरौन ने जल्द मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि मैं खुदावंद तुम्हारे खुदा का और तुम्हारा गुनहगार हूँ, सो फक्त इस बार मेरा गुनाह बख्शो, और खुदावंद अपने खुदा से शफात करो कि वो सिर्फ इस मौत को मुझसे दूर कर दे। सो उसने फिरौन के पास से निकलकर खुदावंद से शफात की, और खुदावंद ने पिछवा आंधी भेजी जो टिड्डियों को उड़ाकर ले गई, और उनको बहरे कुलजम में डाल दिया।
और मिस्र की हदूद में एक टिड्डी भी बाकी न रही। पर खुदावन ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने बनी इसराइल को जाने न दिया। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्के मिस्र में तारीकी छा जाए, ऐसी तारीकी जिसे टटोल सकें। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्के मिस्र में गहरी तारीकी रही। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इसराइल के मकानों में उजाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा कि तुम जाओ और खुदावंद की इबादत करो, फक्त अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ, और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते जाओ। मूसा ने कहा कि तुझे हमको कुर्बानियों और सौख्तनी कुर्बानियों के लिए जानवर देने पड़ेंगे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के आगे कुर्बानी करें, सो हमारे चौपाए भी हमारे साथ जाएंगे और उनका एक खुर तक भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको खुदावंद अपने खुदा की इबादत का सामान लेना पड़ेगा, और जब तक हम वहां पहुंच ना जाएं, हम नहीं जानते कि क्या क्या लेकर हमको खुदावंद की इबादत करनी होगी, क्योंकि खुदावंद ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने उनको जाने ही ना दिया। और फिरौन ने उसे कहा, मेरे सामने से चला जा और होशियार रह, फिर मेरा मुंह देखने को मत आना, क्योंकि जिस दिन तूने मेरा मुंह देखा तू मारा जाएगा। तब मूसा ने कहा कि तूने ठीक कहा है, मैं फिर तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगा।